ओम श्री गणेशाय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और हम आजकल तंत्र की बातें कर रहे हैं। तंत्र में आज हम बात करेंगे साधना विधि की। मंत्र साधना के लिए आवश्यक है कि निर्देशों का कठोरता के साथ पालन किया जाए। जब मंत्र की साधना की जाए तब जहाँ तक संभव हो मंत्र को ऐसे स्थान में सिद्ध करें जहां लोगों का कम से कम आवागमन हो। तीर्थ स्थान, एकांत स्थान, नदी का किनारा, कोई कंदरा, सिद्ध पीठ या अन्य शून्य स्थान उचित रहते हैं। साधक जब उस स्थान में प्रवेश करे तो मन, वचन और कर्म से उस स्थान विशेष के रक्षक देवी देवताओं का विनयपूर्वक स्मरण करें और प्रार्थना करें कि हे स्थान विशेष के रक्षक देव, मैं अपनी अभिष्ट कार्य की सिद्धि के लिए इस स्थान पर रहने के लिए आया हूँ तथा आप द्वारा रक्षा का मैंने आश्रय लिया है। तब तक मैं स्थान पर हूँ या साधना करूँ तब तक आप मेरी रक्षा करें और मुझे सिद्धि का वरदान प्रदान करें तथा किसी प्रकार का कष्ट आए तो उसका निवारण करें। आप मुझे अपना निवास करने की आज्ञा दें। उसके बाद मंत्र। साधना के लिए जाते समय अपने साथ एक अन्य व्यक्ति को अवश्य ले जाना चाहिए जो आपकी देखभाल की व्यवस्था कर सके तथा हिंसक जीव जंतु से रक्षा कर सके। जो मंत्र सिद्ध करना चाहे सर्वप्रथम विधि पूर्वक जितना प्रतिदिन जाप किया जा सके उतना ही नियमित रूप से जाप करके 1,25,000 का जप पूरा कर साधना करें। उसके पश्चात जहां काम पड़े जिसका जाप जितना कर सके अर्थात 108 या 21 बार या फिर जैसा लिखा हो या आपके गुरु ने बताया हो उतनी ही बार जपने से कार्य सिद्ध हो जाता है। मंत्र में जिस प्रकार की माला का उल्लेख हो उसी रंग का आसन, बिस्तर, पहनने के कपड़े इत्यादि हो तो और भी श्रेष्ठ, फलों की प्राप्ति होती है। मंत्र साधना के समय साधक को गुरु दीक्षा, निडर स्वर उच्चारण एवं दिशा आदि का ज्ञान होना तो आवश्यक है ही, इसके अलावा भी कुछ नियम हैं जो मैं आपको बताता हूँ। स्नान के बाद शुद्ध और स्वच्छ कपड़े पहनकर साधना स्थल पर जाना चाहिए। कपड़े कम से कम धारण करें। सिला हुआ वस्त्र पहनना वर्जित है, इसलिए धोती वगैरह ही पहने तो ज़्यादा अच्छा है। नीचे अंडरवेयर वगैरह भी या तो आप लंगोट सिलवा लें वो ज़्यादा उचित है, पर उसमें भी सिलाई ना हो, बिना सिले हुए यानी कि सुई का उसमें उपयोग ना किया गया हो, धोती का आप यूज़ करें वो सबसे अच्छा है। जहाँ साधना की जानी हो वह स्थान शांत और सुरक्षित एवं एकांत वाला हो। दिन में पहने वस्त्र अनुष्ठान के समय नहीं पहनने चाहिए। साधना में अगर कोई विघ्न बाधा आ जाए तो घबराना नहीं चाहिए बल्कि श्रद्धा और तन्मयता के साथ अनुष्ठान में लगे रहना चाहिए। अगर किसी अपहार्य कारणों से साधना के बीच में उठना पड़ जाए तो पुनः स्नान करके साधना स्थल पर जाना चाहिए। साधना काल में भोजन शुद्ध, सात्विक और थोड़ा करना चाहिए। बैठने में सदैव शरीर सीधा रहे, मेरुदंड को झुकाना नहीं चाहिए। आपराधिक व्यक्ति, वातावरण, अश्लील दृश्य, विषय से निरंतर दूर रहना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ और देव का अंकुर मन में नहीं उठना चाहिए। अब जो लोग साधना करते हैं उसमें जप एक महत्वपूर्ण क्रिया होती है। आध्यात्मिक जगत में जप का भी अपना प्रमुख स्थान है। संसार के सम्मुख लगभग सभी धर्म और संप्रदाय जप क्रिया की अनिवार्यता स्वीकार करते हैं। हिंदू, मुस्लिम और ईसाई सब इसके समर्थक हैं। जप करने के समय उपासना का मन बाहरी विकारों से मुक्त होकर निर्मल हो जाता है। वेद, उपनिषद, शास्त्र, महाभारत, गीता, मनुस्मृति, तंत्र शास्त्र आदि ग्रंथों में जप क्रिया के समय जिन नियमों के पालन का निर्देश किया गया है उनमें से मैं आपको कुछ बता देता हूँ। पहला,
जप में मंत्रोच्चार की गति समान रहनी चाहिए, कभी मंदी कभी तीव्र, ऐसा जो जप है वो अनुचित माना गया है। जप के समय उपासक के सामने सूर्य, ध्रुव तारा, गुरु की तस्वीर, अग्नि, दीपक, जल, इनमें से कोई एक हो तो विशेष उत्तम होता है, उसका विशेष महत्व होता है। तो इनमें से कोई एक चीज आपके सामने अवश्य होनी चाहिए। मंत्र में जिस प्रकार की माला का उल्लेख हो, उसी रंग का आसन, बिस्तर, पहनने के कपड़े इत्यादि हो तो और भी अधिक श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। सर्वोत्तम आसन कुश का माना गया है। सफेद, पीला या जैसा जिस मंत्र में लिखा है वैसा ही आसन काम में लिया जाना चाहिए। मंत्र पद्मासन में जपा जाना उत्तम रहता है। जैसा कि हमारे मंदिरों में देवी देवताओं की प्रतिमाएं बैठी हुई दिखाई देती हैं। बायां हाथ गोद में रखकर दाहिने हाथ में माला लिए रहना चाहिए। जो मंत्र बाएं हाथ से जपने का लिखा हो वह दाहिने हाथ गोद में रखकर बाएं हाथ में माला जपनी चाहिए। जहां स्वाहा शब्द हो वहां धूप या अग्नि आगे रखनी चाहिए। जहां दीपक लिखा हो वहां शुद्ध घी का दीपक जलाया जाना चाहिए। ओढ़ने और पहनने के लिए धोती, दुपट्टा आदि सफ़ेद हो अथवा किसी रंग का मंत्र विशेष के लिए वस्त्र हो वैसा वस्त्र ही लेना चाहिए। शरीर की शुद्धि करके धीरे धीरे शांतिपूर्वक मंत्र जाप करना चाहिए तथा हर अक्षर को शुद्धता से जपना चाहिए। किसी मंत्र में उंगली विशेष से जप करना लिखा रहता है, वहां उसी उंगली और अंगूठे से जप करें। जप विधि में मोक्ष प्राप्ति के लिए अंगुष्ठ के साथ तर्जनी को मिलाकर जाप किया जाना चाहिए। मानसिक शांति और संतोष के लिए अंगुष्ठ के साथ मध्यमा से जाप किया जाना चाहिए। सिद्धि के लिए अंगुष्ठ और अनामिका से जाप किया जाना चाहिए। सर्व सिद्धि के लिए कनिष्ठा उंगली और अनुष्ठा को मिलाकर जाप करना सर्वोत्तम रहता है। इन बातों का ध्यान न देकर जाप करने वाले वह जाप प्राय निष्फल हो जाता है। मंत्र में जप संख्या का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। कम या अधिक होने पर साधक का प्रयास निष्फल हो जाता है। उंगली के अग्रभाग से जो जप किया जाए तथा माला के ऊपर के तीन दाने, जिसे सामान्य भाषा में सुमेरु, किसी किसी में एक दाना भी होता है, उसका उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए और उसे कूदना भी नहीं चाहिए। अगर आप एक माला कर रहे हैं तब तो कोई बात नहीं, नहीं तो वहीं से दूसरी तरफ को चलना चाहिए। प्रातःकाल जाप करते समय साधक का हाथ हृदय के सामने रहना चाहिए। मध्यकाल में जाप करते समय साधक का हाथ हृदय से तथा संध्याकाल में जाप करते समय साधक का हाथ मस्तक के सामने रहना चाहिए। सभी कार्यों में पांचों वर्णों के फूलों की माला श्रेष्ठ मानी गई है तथा दुष्टों के कीलन में कठोर वस्तु के मनकों की माला से जाप करना ठीक रहता है। साधना करने वाले साधक धर्म के लिए, मोक्ष के लिए, शांति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए मोती या स्फटिक की माला का प्रयोग करें तो उचित माना गया है। शांति प्रयोग में मंत्र जाप करने वाला साधक ठीक अर्धरात्रि के समय पश्चिम दिशा की ओर मुख करके ज्ञान मुद्रा सहित कमलासन युक्त मोतियों की माला से स्वच्छ सवेत बाएं योग पूरक उच्चारण करता हुआ जाप करे तो ठीक रहता है। स्तंभन अथवा कीलने के प्रयोग में दोपहर से पहले काल में वज्रासन युक्त पूर्व दिशा की ओर मुख करके स्वर्ण की मणियों की माला से पीले रंग के वस्त्र पहनते हुए ठा ठा उच्चारण करते हुए जाप करें, यही श्रेष्ठ विधि है। दुश्मन का उच्चारण करने के लिए रुद्राक्ष की माला, विजय पाने के लिए पोते की माला, मोक्ष प्राप्ति इच्छा के लिए स्फटक की माला श्रेष्ठ रहती है। उच्चारण के प्रयोग में वाक्यव्य कोण की तरह मुंह करके दोपहर के बाद में कुटासन युक्त मूंगे की माला से धुएं के रंग व फट लगाकर अंगुष्ठ और तर्जनी से जाप किया जाना चाहिए। इसी तरह के बहुत सारे जप हैं। जप समाप्ति तक ब्रह्मचर्य का पालन करें।
तथा मंत्र का जाप पुष्प, हस्त और मूल आदि शुभ नक्षत्रों में आरंभ करना चाहिए। मंत्र का जाप सुबह, दोपहर और शाम को ही किया जाना चाहिए। जप काल में श्वेत वस्त्र धारण करें। जप यदि घर में किया जाए तो भगवान का दर्शन पूजन इत्यादि करने के बाद आरंभ करने चाहिए। दोपहर को शुद्ध वस्त्र पहनकर तथा संध्या के समय देव दर्शन करने के पश्चात जप आरंभ करना चाहिए। जप तीन प्रकार के होते हैं, है ना, और जितने दिन तक जप करें उतने ही दिन जमीन पर, चटाई पर या तखत पर शयन करना चाहिए। और जप स्थान पर उपद्रव या शोरगुल नहीं होना चाहिए। मंत्र का जाप इत्यादि शुद्ध करना चाहिए। जप में किसी भी प्रकार का उतावलापन, चिंता इत्यादि भावनाएं नहीं लानी चाहिए। जप करते समय मन को स्थिर रखना चाहिए तथा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके मंत्र को जपना चाहिए। जप करने से पूर्व समय की मर्यादा को बांध लेना उत्तम होता है तथा पद्मासन में बैठना चाहिए। जप तीन प्रकार के होते हैं। पहला मानसिक जप, मन में मंत्र का जाप जो किया जाता है उसे मानसिक जप कहते हैं। वाचिक जप, जप उच्च स्वर में जो कि अपने आप को सुनाई दे, जो बोलकर किया जाता है उसे हम वाचिक जप कहते हैं। उपांशु जप, बिना बोले इस मंत्र को पढ़ना जिसमें मात्र होठ हिलते रहते हैं, इसे जो है उपांशु जप कहते हैं। इन तीनों जपों में मानसिक जप सर्वोत्तम माना गया है। जप को उंगलियों के पोरों पर अथवा माला द्वारा ही किया जाना चाहिए। जय माता की। मिलते हैं अगले अंक में।